क्या कहते हैं वोटिंग ट्रेंड्स, और वोटिंग ट्रेंड्स में किसको कितने वोट मिल रहे हैं? क्या आयशा को जस्टिस मिल गया, अब उसकी घर वापसी हो जानी चाहिए? क्योंकि कल भी हमने टास में देखा कि मुनावर का गेम जिस तरीके से खराब हो रहा है, घर के लोगों को भी लगता है कि इसके लिए आयशा ही जिम्मेदार है, क्योंकि अब मुनावर 24 में से 48 घंटा तो आयशा को ही दे रहा है। तो ऐसे में मुनावर का गेम बहुत ही ज्यादा, जब से आयशा की एंट्री हुई है कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ आयशा के साथ ही वो नजर आ रहा है। तो आयशा की अब घर वापसी होनी चाहिए या फिर ग्रेस पीरियड पर चल रही रिंकू जी की, या शुरुआत से दर्शक जिससे एक्सपेक्ट कर रहे थे नील, वो अभी तक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, और क्या अब नील को वापस जाना चाहिए या फिर अभिषेक जो पहले ही दिन से घर के अंदर काफी अग्रेसिव है? तो यहाँ सवाल उठता है कि किसको सबसे कम वोट मिले हैं और कौन घर वापस जाएगा। अगर 28 को फिनाले है तो लगभग उससे पहले डबल एलिमिनेशन 2 हफ्तों करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है फिर हमें तो टॉप 5 चाहिए ना, जो बाकी भीड़ है उसे भी तो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब जो वोटिंग ट्रेंड सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। कल सबसे ऊपर यानी कि टॉप पर अभिषेक था, वो अभी भी अभिषेक है, और अभिषेक जिस तरीके से शो में धीरे 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 पकड़ बना रहा है वो काफी सरप्राइजिंगली लोगों को पसंद आ रहा है। हालांकि उसका जो नेचर है काफी अग्रेसिव सा भी है, लेकिन इसके बावजूद उसके नेचर पर सवाल उठते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गेम में आगे बढ़ता जा रहा है। नील नंबर 2 पर है। अब रिंकू और आयशा की बात करें तो कल तक तो रिंकू जी बॉटम में थी और आयशा बॉटम से 2nd नंबर पर थी, पर आज मैं बात करूं तो आज भी जो है यहाँ पर रिंकू जी ही बॉटम में है, और आयशा को इतनी जल्दी वो नहीं जाएगी, यानी कि अभी 1 हफ्ता और मुनव्वर का गेम वो खराब करेगी, और अगर और ज्यादा टिक गई तो मुनव्वर को ट्रॉफी से दूर भी कर सकती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि जो मुनव्वर के लॉयल फैंस हैं उनको इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी मुनव्वर को ही सपोर्ट कर रहे हैं, और मुनव्वर को बाहर जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और उसको इस बात का एक बेनिफिट या सिंपथी भी मिल रही है कि मेकर्स ने उसके साथ गलत किया है। तो कहीं ना कहीं मेकर्स का ये जो पासा था वो उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने ये किया इसलिए कि मुनव्वर का गेम खराब हो, पर जनता को ये मैसेज मिला कि जानबूझकर आप मुनव्वर का गेम खराब कर रहे हैं ताकि आप अपने किसी फेवरेट को जिता सकें। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।